आंधी तूफान आया, बैठा रहा, संकल्प लेके बैठा, 2 घंटे के बाद उठना ही नहीं अपने को, और रोज की समय 2 घंटे के बाद धूप में ही करता था। खूब आंधी आई, तूफान चले, पानी बरसने लगा, बैठा था, नींबू के आकार के ओले पड़ने लगे, बैठा था। अब इतनी ठंडी अंदर भर गई कि अपने को होश नहीं, शायद 10-11 पास का ऐसे कुछ समय चल रहा था। खूब ओले गिरे, बैठा रहा, बेहोश हो गया। और संजो कहो उस दिन पर्वत पर मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे, मुझे नहीं पता कि मुझे उसके बाद हुआ क्या। उतने आधे घंटे में तो वहां जमघट लग गया, क्या बाइक वाले, दुकान वाले, डोली वाले, जितने देखो तो ढेर लग गया वहां पर। अब आकाश बाबू, बिट्टू, ये मनोज वगैरह सब वहीं पर बीपी चेक किया, 60-20, ऑक्सीजन 72, पल्स 50। डॉक्टर को फोन, डॉक्टर बोले भाई ये तो व्यक्ति तो है ही नहीं, ये तो गया, और हम तो थे ही नहीं, गए थे। 2 घंटे बाद होश आया। जैसे ही बिट्टू ने कहा आकाश सर से कि अपने महाराज साहब को डोली पर नीचे डोली पर ला दो, नीचे लेके चलो, तो उसमें कोई एक कंपाउंडर था, उसने कहा एक अगर जाओ एक सुई लगाते हैं। तो जैसे उसने कहा सुई, हमको होश आ गया। हमने कहा इतनी बड़ी साधना हमने एक फंसवाने के लिए थोड़ी की है, यदि प्राण जाते तो मुझे वो भी स्वीकार है, पर हमको ये स्वीकार। इतना कहा उसने, कहा कि एक इंजेक्शन लगा, हमने कहा छूना भी मत मेरे को, बस उसमें ही होश आ गया मेरे को। आप सोच रहे हैं कि महाराज साहब ने इतनी बड़ी साधना कैसे कर ली, कैसे उपवास कर लिए, हमसे तो एक उपवास नहीं होता है, जिससे नहीं होता वही करता है। बशर्ते करने की हिम्मत, जुनून और साहस होना चाहिए। ये व्रत उपवास हमने 1.5 साल में नहीं किए हैं, इस व्रत की हम 7 साल से साधना अभ्यास कर रहे हैं। 7 साल से नागपुर चतुर्मास के बाद से मन में एक ही टारगेट था कि मुझे उत्कृष्ट सिंह निष्किन व्रत की साधना करना है।